हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल define reproduction. The process by which living being produce same new offspring, these are called reproduction. वह विधि जिसके द्वारा सभी जीवित जीव अपने समान नया जीव पैदा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन in animals are two kinds. Some animals are laid eggs and some other animals are give birth to young ones. Animal में जो reproduction होता है वह दो तरह से होता है। कुछ animals अंडे देते हैं, कुछ animals अपने समान नए बच्चों को जन्म देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबी, स्टूडेंट्स सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, कैट, काऊ, हॉर्स, कंगारू, सेब, गॉड, फाइलो, इट इज गिव बर्थ टू देयर बेबी, गिव बर्थ टू देयर बेबी एंड फीड देयर ओन मिल्क ऑफ द बेबी। स्टूडेंट्स लायन, टाइगर, कैट, काऊ, बुफाइलो, सेब, गोट, ये सब बच्चे को तो जन्म देते ही हैं, साथ में अपना दूध बच्चे को पिलाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम मैमल्स कहते हैं। बेबी विद देयर मिल्स दीज आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे जीव जो बच्चे को तो जन्म देते हैं लेकिन उसे भोजन के रूप में अपना दूध भी पिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैमल्स। सम एनिमल्स give birth to young ones and feed their own milk of their baby. Students, some animals like termite, platypus, echidna do not give birth to young ones. They lay egg after some time, egg hatches and young ones are come out. Then these animals feed their milk to the baby. Students, duckbill, platypus, echidna ये भी mammals की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये बच्चों को जन्म नहीं देते, ये अंडे देते हैं। अंडे देते हैं, अंडे से कुछ दिन के बाद जब बच्चे बाहर आते हैं तो उन्हें दूध के रूप में, उन्हें भोजन के रूप में अपना दूध पिलाते हैं। तो ये भी मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। स्टूडेंट्स एनिमल दैट ले एग्स, स्टूडेंट्स एनिमल दैट ले एग्स, वे एनिमल जो अंडे देते हैं। You will know some animals who gives eggs. Yes, animals like bird, fish, frog, insect, snake are egg-laying animals. Students, where you look whiteboards, we write some animals name
who gives eggs? Bird, fish, frog, insect, snake are egg laying animals. Students, whiteboard पर हमने लिखा है birds, fish, frog, insect, snake ये जीव ऐसे हैं जो अंडे देते हैं. Now अंडे देते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे को इंक्यूबेट करते हैं, फिर उनसे चूजे बाहर आते हैं, फिर उनको भोजन खिलाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं इसमें से जो अंडे देकर चले जाते हैं, वो केयर नहीं करते हैं, सनलाइट में उनके अंडे इंक्यूबेट होते हैं और बच्चे जब बाहर आते हैं तो अपने से खुद भोजन ढूंढते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसने ये अंडे देने के बाद वहां से चले जाते हैं, लिजर्ड ये अंडे देने के बाद वहां से चले जाते हैं, अंडे कुछ सहते नहीं. जब अंडे से बच्चे बाहर आते हैं तो उनकी भी देख रेख नहीं करते, वो बच्चे स्वयं अपने आप से भोजन ढूंढते हैं. ओके नाउ स्टूडेंट्स, बर्ड्स, न्यू हेडिंग, बर्ड्स. All birds reproduce by laying eggs. They make nest to lay their egg. Students, we see different kind of birds, their surroundings. All birds lay eggs and they incubate their eggs. After some time, the egg hatches and chicks are come out. Then the mothers feed their food. Students, आप देखे होंगे जितने भी प्रकार की चिड़िया हैं सभी अंडे देती, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे पिकॉक हो, चाहे कोयल हो, जितनी भी चिड़िया हैं वो सभी, लेकिन कोयल बहुत चालाक होती है, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवा उसे आसानी से सहता है. कुछ समय के बाद जब उससे बच्चे बाहर आते हैं तो उसको भोजन भी खिलाता है, तब तक भोजन खिलाता है जब तक उसकी आवाज अलग नहीं हो जाती. जैसे ही उसकी आवाज अलग होती है तो उसको मारने लगता है, तो वहां से भाग जाती है. स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, लुक एट व्हाइट बोर्ड, हियर स्ट्रक्चर ऑफ एग. वी मेक स्ट्रक्चर ऑफ एग्स या सेल एल्बुमेन. सेल व्हाइट कलर की सेल होती है, कुछ शेप में जैसे हैं एग में व्हाइट कलर की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. It protect the egg and developing embryo. जो outer covering होती है egg की, उसे हम क्या कहते हैं? Cell कहते हैं. It protect egg या अंडे की भी सुरक्षा करती है और उसके अंदर जो develop होने वाला embryo उसकी भी सुरक्षा यह करती है. Nest setting या in the middle portion एलो मटेरियल्स आर कार्ड यार. अंडे के बीच में आप देखेंगे तो एक येलो कलर का मटेरियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? याद करते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बेबी. जो येलो कलर का मटेरियल है वो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स है. यानी जब तक चूजा अंडे में रहेगा तब तक के लिए नेचर ने उसके लिए फूड मटेरियल स्टोर किया है. यानी जब तक अंडे में रहेगा वो, तब तक के लिए उसके लिए फूड मटेरियल्स है. समझ गए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, एम्ब्रियो. द यॉल्क कंटेन डार्क पैचेस. स्टूडेंट्स लुक हियर, ये डार्क पैच. द यॉल्क contain a dark patch. Dark patch
डार्क स्पॉट कॉल एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स ये डार्क स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो। ओके नाउ नेक्स्ट स्टडी एल्बुमेन। एल्बुमेन स्टूडेंट्स हियर स्ट्रक्चर्स, ये व्हाइट कलर पोर्शन, ये व्हाइट कलर पोर्शन आर आल्सो कॉल्ड एल्बुमेन। ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन इस तरफ देख रहे हैं ये क्या है, एल्बुमेन। ये व्हाइट सबस्टेंस सराउंड द यार, ये व्हाइट सबस्टेंस सराउंडिंग द यार कॉल्ड एल्बुमेन। ये व्हाइट सबस्टेंस सराउंड द यार कॉल्ड एल्बुमेन। एल्बुमेन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड वाटर फॉर द एम्ब्रियो। जो एल्बुमेन है यह एम्ब्रियो की सुरक्षा करता है और उसको क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। जो येलो कलर का पोर्शन था स्टूडेंट ये तो जान गए उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स थी, जिससे चूजा जब तक उसके अंदर तैयार होगा जब तक अंडे से बाहर नहीं आएगा तब तक के लिए ये मटेरियल है उसके लिए, जो येलो कलर का पोर्शन होता है। लेकिन जब वो डेवलप होगा तो उसके लिए वाटर भी तो चाहिए। जो वाटर होता है ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है जिसे हम एल्बुमेन कहते हैं वह चूजे के लिए वाटर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। ओके नाउ स्टूडेंट्स हियर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड। स्टूडेंट्स ये एडल्ट, एडल्ट एग्स, ये इंक्यूबेशन है, ये हैचिंग, हैचेज और ये चिक्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रा ए स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड ऑन योर कॉपी। लुक एट व्हाइट बोर्ड, एडल्ट हैन, एडल्ट हैन इट्स लेइंग एग, हियर द इंक्यूबेशन वेयर इंक्यूबेट हैचेस द एग्स, चिक्स आर कम आउट ऑफ द एग्स, देन After some time, it digs and bigger and make adult. Okay, students. First of all, क्या होता है? ये मुर्गी है, अंडा देती है। ये अंडा दी, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उस अंडे को क्या करती है? Incubate करती है। Incubation, incubate करने के बाद वो अंडे को आगे पीछे करती रहती है और उसमें सुनती रहती है। जहाँ से सीटी की आवाज आती है वह अपने इस चोंच से उसको मार देती है हल्का सा, जहां से सी या टी की आवाज आती है वहां उसका मुंह होता है, समझ गए स्टूडेंट। फिर वहां हल्का से मार देगी, उसके बाद धीरे धीरे ये जब सांप लेगा सर ऊपर करेगा तो ये ऊपर से ये टूट कर निकल जाएगा और ये चूजा धीरे धीरे का बाहर आ जाएगा। कुछ समय के बाद जब ये बड़ा होगा तो बड़ा होकर के एडल्ट जैसे बन जाएगा, समझ गए स्टूडेंट्स। Now, next study, incubation. When the birds lay egg in their nest, students, birds
एक्स इन द नेस्ट आफ्टर सम टाइम द बर्ड सिट ऑन देयर एक्स एंड कीप देम वार्म वार्म द एयर दीज आर कॉल्ड इनक्यूबेशन। ओके स्टूडेंट्स, बर्ड्स ले इन द नेस्ट आफ्टर सम टाइम द बर्ड्स सीट ऑन देयर एग्स एंड कीप देम वार्म दीज आर कॉल्ड इंक्यूबेशन। चिड़िया अंडा देती है, अंडा देने के कुछ दिन बाद वे उस पर आकर के बैठती है और उसे हीट करती है। जो हीट करने की प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। नेक्स्ट स्टडी हैचिंग। Hatching, when the baby fully develop into the eggs hatches hatches and the babies come out of it is called hatching. When the baby fully develop into the eggs, जब चिड़िया कुछ दिनों तक अंडे को इंक्यूबेट करेगी तो उसमें जो इंद्रिया होगा डेवलप होकर के बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वह पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है तो हम आपको बताए ना जो हेन है या बर्ड्स हैं वो एक को आगे पीछे करती रहती है और उसे सुनती रहती है इसे कान लगाकर। तो जहां से अंडे में सीटी की आवाज आती है तो उनको पता चल जाता है कि ये जो सीटी की आवाज आ रही है वो क्या है, वहां उसका मुंह है। ये चीज का क्या है, मुंह है। वह मुंह के सामने ही वहां थोड़ा सा से मार देगी, थोड़ा सा टिक कर देगी तो उसका मुंह बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब और हिट करेगी तो उसे बाहर निकल आएगा और बाहर निकल करके ऐसे टालने लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउ पिस The life cycle of fish. Fish are
फूड मटेरियल्स, रिसर्च, स्टूडेंट्स ड्रा द फिगर इन योर नोटबुक। एक्स ले एक्स इन ए टाइम 1000 सेल्स। स्टूडेंट्स एक फिश एक बार में लगभग 1000 अंडे देती है और ये अंडे पानी में ऐसे तैरते रहते हैं। स्टूडेंट्स कुछ अंडों को तो फिश या अदर एक्वाटिक एनिमल्स खा जाते हैं और कुछ में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें से नई फिश बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो ये अंडों का समूह है उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। और ये जो ये स्टूडेंट्स जो छोटी छोटी फिश है इसे हम फिश फ्राई कहते हैं। ये फिश फ्राई है स्टूडेंट्स। और ये आगे भी बड़ी होकर के एडल्ट फिश बन जाती है। ये एडल्ट है और ये फिश फ्राई है, क्लस्टर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ए फिश ले एग इन अ इन वाटर। ए फिश डू नॉट हैव द कैरेक्टर ऑफ एडल्ट केयर। सम फिश हैव बट ऑल फिश डू नॉट हैव एडल्ट केयर्स। ओके स्टूडेंट्स they lay egg in the water in a one time they lay egg thousands of eggs the group of eggs are clusters the fifth the eggs are incubated with the help of sunlight। स्टूडेंट्स जो फिश अंडे देती है पानी में ये जेली लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, सारे उसी से बंधे रहते हैं, ये तैरते रहते हैं वाटर में और जो एक्वाटिक फिश है कुछ तो इनको खा जाती है, कुछ फ्रॉग वगैरह खा जाते हैं, कुछ एक्वाटिक फिश खा जाते हैं, थोड़े बहुत बचते हैं, जो बचते हैं उसमें एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, डेवलप होकर के न्यू फिश फ्राई बन जाती है और ये आगे जल्दी डेवलप होती है ये एडल्ट फिश बन जाती है। स्टूडेंट्स इस तरह से ये लाइफ साइकिल ऑफ फिश है। ये भी फिगर आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, जो भी फिगर आप बनाइएगा वो कलरफुल होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके नाउ स्टूडेंट्स वी मीट नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू।